दहिसर मध्ये पल्स इमेजिंग सेंटर मध्ये रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे अशी तक्रार यदुनाथ प्रजापती यांनी केली आहे. आमच्या प्रतिनिधीने यदुनाथ प्रजापतीशी संपर्क साधला, त्यावर त्यांचे काय म्हणणे आहे ते पाहू. निकाला जाता है नागरिकों का, उसमें क्या भ्रष्टाचार है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर निकाला हुआ है, उस जीआर में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मिनिमम चार्जेस 2,000, 2,500 और 3,000 तक होने चाहिए. अभी स्लाइड के ऊपर डिपेंड है, तो पल्स जो इमेजिंग सेंटर है उनका स्लाइड है 27, 27 स्लाइड का ये रिपोर्ट देते हैं लोगों को और लेते हैं कितना 4,000 रुपया, जबकि इनके हिसाब गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए 2,500 रुपया. मगर ये जनता का खून चूस रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो उसके खिलाफ मैंने बीएमसी कमिश्नर महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर उनको लेटर भेज के कार्रवाई की मांग की थी और पुलिस ने इनको नोटिस इशू किया है 7 दिन का, मगर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई मुझे दिख नहीं रही है. मुंबई महानगर पालिका के तरफ से क्या किया गया? मुंबई महानगर पालिका के अविनाश वायटेंट ऑफिसर है, MOH है यहाँ के, उनको जब मैंने फ़ोन किया 12 मई को, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई GR है ही नहीं. मैंने उनको GR कॉपी भेजा व्हाट्सएप पे और उनको बताया, तो उन्होंने देखने के बाद भी नहीं देखा बोला. फिर मैंने उनको वापस 18 मई को वापस भेजा, वापस व्हाट्सएप किया और उनको बताया, तो अभी वो आश्वासन दे रहे कार्रवाई करने का, मगर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा. आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय आरोग्य मंत्री जी से, कि इनके ऊपर FIR हो और इनका जो सेंटर है इन पर कार्रवाई हो, लीगली कार्रवाई हो, और नागरिकों का पैसा जो है जो लूट रहे हैं वो त्वरित बंद हो गए या उनको वापस पैसा दिया जाए सबको. प्रजापति करके हैं, कुछ कंप्लेन किया है कि ज़्यादा पैसा उनसे लिया गया टेस्ट का, क्या है मामला जरा बताइए. सर, जो नवंबर में जो ये आया है, ये आपके पास न्यूज दिखा रहा हूँ मैं जी, कोर्ट ने नॉन कोविड पेशेंट के लिए ये जो कैप है ये हटा दिया हुआ है. कोविड पेशेंट वो है जिसका RT-PCR पॉजिटिव है, उन्होंने उनके पेपर पे, उसका एक पेपर का कॉपी भी आपको दिखाता हूँ, ये कोविड नहीं है, नो कोविड टेस्ट करके लिखा हुआ है, तो उनको नो कोविड के हिसाब से नॉन कोविड चार्ज हमने लगाया है, जो रूटीन चार्ज 4,000 है हमारे, बाकी कोविड पेशेंट के लिए जो चार्ज लगता है वो जिसको RT-PCR पॉजिटिव है उनको वो चार्ज लेते हैं हम लोग. आपका कहना है कि जो भी चार्जेस लगे हैं वो लीगल हैं? सर हाँ, लीगल है. यस, यदुनाथ जी ने आरोप लगाया है, कुछ कंप्लेन वगैरह भी किया है, उसमें उनका रिप्लाई भी दे दिया है. अच्छा, तो बराबर है जो टेस्ट है सब बराबर है? बराबर, एकदम सही. आपका नाम सर? सुधीर. यहाँ आप? मैं मैनेजर करके यहाँ.